हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके चाहते चैनल में स्वागत है जिसका नाम है एक्सपर्ट दहे मैथमेटिक्स मेनी प्रॉब्लम एक्सपर्ट सॉल्यूशन। तो हमने स्ट्रेट लाइन का जो आर्टिकल है उसे स्टार्ट किया था। स्ट्रेट लाइन के सभी कॉन्सेप्ट्स हमने समझे थे, उसमें हमने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को स्टार्ट किया था। जैसे कि आपको अच्छे से पता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको 12th बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो हम उसे बड़े डिटेल में ले रहे थे, बोर्ड के सभी प्रॉब्लम्स को ले रहे थे। तो आपके सामने उसी के कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हमने जनरल इक्वेशन स्टडी किया था। सो जनरल इक्वेशन पे बेस्ट लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हमें क्या करना है, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, जनरल इक्वेशन पे किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि चेक वेदर इट इज रिप्रेजेंट पेयर ऑफ लाइन्स, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स, ओके, एंड फाइंड द सेपरेट लाइन्स। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए। तो यहाँ पे देखो, आपके सामने कुछ प्रॉब्लम्स है, सिंपल से प्रॉब्लम्स है, जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना एंड सेपरेट इक्वेशन फाइंड करने के बारे में। लेकिन अब ये होमोजीनियस इक्वेशन के लिए नहीं है, तो ये जनरल इक्वेशन के लिए है। इससे पहले भी हमने सेम टाइप के प्रॉब्लम स्टडी किए हैं, लेकिन वो होमोजीनियस के लिए थे और ये जनरल के लिए है। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर देखो, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइन्स। हमें क्या करना है, जॉइंट इक्वेशन यानी कि कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है, किसका, पेयर ऑफ लाइन्स का। और वो दो लाइन्स कैसी है, थ्रू द पॉइंट 2-1, मतलब लाइन 2-1 से पास होती है एंड पैरेलल टू द लाइन्स गिवन बाय 2x² + 3xy - 9y² इज इक्वल टू 0। तो हमें ऐसे लाइन्स का जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है जो 2-1 से पास होती है। और यहाँ ये तो होमोजेनियस इक्वेशन है, मतलब इसमें दो लाइन्स है, तो इन दो लाइन्स को पैरेलल लाइन्स जो 2-1 से पास होती है उनका जॉइंट इक्वेशन फाइंड करना है। तो चलो देखो अच्छे से समझो इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें दो लाइंस फाइंड करना पड़ेगा, फिर हम क्या कर सकते हैं, जॉइंट इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। तो लाइंस को कैसे फाइंड करेंगे, तो यहां से हमें क्या करना पड़ेगा, दो लाइंस फाइंड कर सकते हैं, वहां से दो स्लोप फाइंड कर सकते हैं, फिर दो स्लोप मिलेंगे, पॉइंट ए टू पॉइंट स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज किया तो हमें क्या मिलेगा, लाइंस मिलेगा, फिर हम लाइंस का जॉइंट इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो चलो देखो, फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूं, लेकिन सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में सेंड करना है एंड इट्स कंपल्सरी। जो सेंड नहीं करेंगे उनके जो नेम से उनको पॉइंट आउट किया जाएगा। तो चलो देखो, यहाँ पे फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, वी हैव चलो सबसे पहले हमारे पास जो लाइन्स है उसे लिखेंगे, क्या है, वी हैव 2x² + 3xy - 9y² इज इक्वल टू 0। तो चलो यहाँ से हम दो सेपरेट लाइंस को फाइंड करेंगे तो स्लोप हमें वैसे भी मिल जाएगा। कैसे करना है आपको अच्छे से पता है, होमोजीनियस के सेपरेट इक्वेशंस कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 × -9 दैट इज -18। सो -18 के आपको ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने हैं जिसकी सम +3 आती हो। सो 6 - 3, ऐसे दो फैक्टर लिया तो मल्टीप्लीकेशन आएगा -18, एडिशन आएगी +3। तो चलो देखो यहाँ पे किया, 2x² + 6xy - 3xy - 9y² इज इक्वल टू 0। तो यहां से 2x को कॉमन लिया तो यहां क्या बचेगा, x + 3y - 3y कॉमन लिया, यहां पे आएगा x + 3y इज इक्वल टू 0। सो आपकी लाइन क्या होगी, 2x - 3y इज इक्वल टू 0 एंड x + 3y इज इक्वल टू 0। तो आपको सेपरेट लाइंस मिल गई, आपको स्लोप की ज़रूरत है तो आप इसे कैसे लिखोगे, 3y इज इक्वल टू 2x, और इसे कैसे लिखोगे, 3y इज इक्वल टू -x, देयरफोर y इज इक्वल टू 2/3x एंड y इज इक्वल टू -1/3x, देयरफोर m1 इज इक्वल टू 2/3 एंड m2 इज इक्वल टू -1/3, क्योंकि आपको अच्छे से पता है होमोजीनियस इक्वेशन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा जो ओरिजिन से पास होती है। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन y इज इक्वल टू mx फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, स्लोप मिलेगा। तो इस तरह से हमने पेयर ऑफ लाइन से होमोजीनियस इक्वेशन से दो स्लोप फाइंड किए।
ऐसा ही करो ऐसा जरूरी नहीं है। आप यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यम होगा, वहां से भी आप यम की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो चलो देखो हमें स्लोप मिला, देयरफोर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, लाइन कहाँ से पास होती है पॉइंट आपको दिया है, पासिंग थ्रू 2-1 विथ स्लोप, और उसका स्लोप क्या लेना है, ये पैरेलल है, पैरेलल बोला इन्होंने, क्या बोला है पैरेलल मतलब स्लोप क्या हो गया सेम, विथ स्लोप 2/3 इज क्या है फॉर्मूला, y माइनस y1 मतलब -1 मतलब +1 इज इक्वल टू m क्या है 2/3 इंटू एक्स माइनस x1 दैट इज 2। सो मल्टीप्लीकेशन करेंगे 3y+3 इज इक्वल टू 2x-4 देयरफोर 2x ये वहाँ जाएगा -3y ये वहाँ जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फर्स्ट लाइन यहाँ पे आ गई। आगे देखो चलो, नाउ सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन वहां पे भी हम क्या करेंगे स्लोप पॉइंट फॉर्म का यूज करेंगे, पॉइंट तो वही है 2-1 एंड स्लोप क्या है अब लिया 2/3 एंड -1/3 इज, तो पॉइंट 2-1 है स्लोप -1/3 है, तो y-y1 दैट इज +1 इज इक्वल टू स्लोप क्या है -1/3 इंटू x-x1 क्या है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3y+3 इज इक्वल टू -x-+2 सब इधर आएंगे x+3y ये आएगा 3-2 मतलब +1 इज इक्वल टू 0। ये आपको क्या मिलेगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगा। तो फर्स्ट लाइन मिल गई, सेकेंड लाइन मिल गई, ये कहाँ से पास होती है 2-1 से, और इस लाइन को क्या है पैरेलल, तो इसका जॉइंट इक्वेशन हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, क्या है देयरफोर जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस इज, चलो जॉइंट इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, u इंटू v इज इक्वल टू 0, सो 2x-3y-7 इंटू x+3y+1 इज इक्वल टू 0। तो आपको अच्छे से यहाँ क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो चलो देखो 2x इंटू x दैट इज 2x² 2x+3y दैट इज 6xy 2x+1 दैट इज 2x -3y+x-3xy -3y+3y-9y² -3y+1-3y -7x-7x -7x3y-21y -7x+1-7 इज इक्वल टू 0। अच्छे से देखो अब हमें इसे अरेंज करना है, कैसे अरेंज करेंगे, पहले x² फिर xy फिर y² कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर है, हमें किसी भी पेयर ऑफ लाइंस का इक्वेशन ऐसे ही फॉर्म में लिखना होता है x² xy y² xy एंड देन कांस्टेंट। तो चलो देखो यहाँ पे क्या आएगा 2x² +6xy -3xy +3xy -9y² अब यहाँ पे देखो 2x -7x दैट इज -5x यहाँ पे देखो -3y -21y -24y अब देखो यहाँ पे कॉन्स्टेंट -7 इज इक्वल टू 0। दिस इज रिक्वायर्ड जॉइंट इक्वेशन ऑफ अ लाइन्स पासिंग थ्रू 2-1 एंड पैरेलल टू 2x² +3xy -9y² इज इक्वल टू 0। तो कल का लेक्चर अगर आपको अच्छे से पता है तो आपको आसानी से MCQ में कुछ हेल्प आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी जनरल इक्वेशन, चलो हमने यहाँ पे जनरल इक्वेशन लिया, तो यहाँ से हमने क्या फाइंड करने की कोशिश की थी, सेपरेट लाइंस फाइंड करने की कोशिश की थी। तो वहाँ पे मैंने आपको हिंट बताई थी कि क्या करो, फर्स्ट जो होमोजेनियस इक्वेशन है उसको कंसिडर करो, वहाँ से सेपरेट लाइंस फाइंड करो, फिर फर्स्ट लाइन में कांस्टेंट ऐड करो एंड सेकेंड लाइन में कांस्टेंट ऐड करो, जैसे कि एल एंड के हमने लास्ट के लेक्चर में किया था, और सेम तरह से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको वैसे भी आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो कॉन्सेप्ट देखो वही है, तो आपको ऐसा जनरल इक्वेशन दिया है तो आप यहाँ से सेपरेट लाइंस को भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन आपको क्या पूछा गया था, फाइंड जॉइंट इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस।
तो इसे पैरेलल लाइंस का जॉइंट इक्वेशन क्या आएगा, देखो सेम टर्म्स यहाँ पे क्या हो गई, रिपीट हो गई, ये आपके लिए हेल्प करेगा। तो आपको याद रखना है ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, इसको पैरेलल लाइंस का जॉइंट इक्वेशन में भी ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर आने वाला तय है। आगे के कॉन्स्टेंट जो होंगे वो चेंज होगा, मतलब 2gx 2fy एंड प्लस c ये टर्म्स क्या होने वाले हैं, सिर्फ ऐड होने वाले हैं। तो आपको अच्छे से यहाँ से पता चलेगा कि अगर आपका इक्वेशन 2x square plus 3x y, चलो यहाँ पे देखो अगर आपका इक्वेशन क्या है x square plus x y minus y square is equal to 0 ऐसा है, अच्छे से देखो आपका इक्वेशन क्या है x square plus x y minus y square is equal to 0 है, तो आपके जो लाइन्स है इससे पैरेलल लाइन्स का जॉइंट इक्वेशन में भी यही टर्म्स आने वाले है, x square plus x y minus y square plus आगे 2gx plus 2fy plus c, वो आएगा और वो डिपेंड होगा इस पॉइंट पे। तो जैसे पॉइंट चेंज होगा ये एक्सप्रेशन सेम रहेगा, लेकिन क्या चेंज होगा, आगे का जो पोर्शन है वो क्या होगा, चेंज होगा। तो देखो चलो इस तरह से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से शॉर्टकट मिलेगा, एक्चुअली से हम क्या नहीं फुल प्रूफ शॉर्टकट नहीं बोल सकते क्योंकि हम यहाँ से सिर्फ वेरिफिकेशन कर सकते हैं, श्योर शॉट आंसर हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन इस वेरिफिकेशन से हम कुछ ऑप्शंस जो है उन्हें कैंसिल ज़रूर कर सकते हैं। तो ऐसे ट्रिक्स भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो को पैरेलल लाइंस का जॉइंट इक्वेशन अगर हम फाइंड करेंगे पासिंग थ्रू एनी पॉइंट एक्स वन वाई वन, तो उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस आगे का पार्ट सिर्फ क्या होगा, चेंज, ये भी आप कीप इन माइंड करोगे तो भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलो देखो सेकेंड प्रॉब्लम जो है उसे देखेंगे, क्या है आपका सेकेंड प्रॉब्लम, देखो अच्छे से, फाइंड द सेपरेट इक्वेशन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको नीचे दो इक्वेशंस दी गए हैं और आप वहां से सेपरेट इक्वेशंस क्या करोगे, फाइंड करोगे। क्वेश्चंस बड़े सिंपल है, इसमें मैं आपको सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करके दूंगा, आप फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम जो है उसे होमवर्क में सॉल्व करो। तो चलो देखो सेकेंड नंबर का प्रॉब्लम क्या है, वी हैव, अच्छे से देखो समझो इसे, वी हैव 10 इंटू एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस वन इंटू वाई माइनस टू माइनस थ्री इंटू वाई माइनस टू ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। अच्छे से देखो चलो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है इसे भी समझो, ऑब्जर्व करो एक्स प्लस वन वाई माइनस टू वाई माइनस टू, तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, सेम टर्म्स जो है वो क्या हो रहे, रिपीट हो रहे, तो आप उन पे कॉन्सेंट्रेट किया तो आपको यहाँ पे पता चलेगा इसे हमें क्या करना है, सेपरेट इक्वेशन यहाँ से फाइंड करना है। तो अगर इस तरह के रिपीटेशंस होंगे तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट कॉन्सेंट्रेट करेंगे कोएफिशिएंट पे, 10 इंटू माइनस थ्री दैट इज माइनस थर्टी, माइनस थर्टी के आपको फैक्टर्स फाइंड करने हैं और ऐसे फैक्टर्स होने चाहिए जिनकी एडिशन क्या हो प्लस वन, क्योंकि एक्स प्लस वन है, वाई माइनस टू वाई माइनस टू है, तो माइनस थर्टी के फैक्टर्स है सिक्स माइनस फाइव, दोनों के एडिशन की तो प्लस वन आएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आएगा, माइनस थर्टी आएगा। तो इसे दिस ब्रैकेट को हम कैसा लिख सकते हैं, सिक्स इंटू दिस माइनस फाइव इंटू दिस, देयर फोर 10 इंटू एक्स प्लस वन ब्रैकेट स्क्वेयर प्लस सिक्स इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई माइनस टू माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई माइनस टू माइनस थ्री इंटू वाई माइनस टू ब्रैकेट स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। तो चलो देखो यहाँ से हमने क्या लिया, x प्लस वन फर्स्ट दो टर्म से यहाँ से हमने क्या लिया, x प्लस वन कॉमन लिया और यहाँ से हम क्या ले सकते हैं, टू कॉमन ले सकते, तो अंदर क्या रहेगा, टू गया तो यहाँ पे रहेगा थ्री इंटू एक्स प्लस वन, यहाँ पे क्या रहेगा प्लस वाई माइन टू गया, देखो यहाँ पे देखो टू कॉमन लेयर सो टू इंटू फाइव, यहाँ पे फाइव आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, टू गया सो थ्री आएगा वाई माइनस टू।
यहाँ पे सिर्फ हमने क्या लिया, माइनस वाई माइनस टू कॉमन लिया, इन दो ब्रैकेट से वाई माइनस टू कॉमन लिया, माइनस गया वाई माइनस टू गया, तो आपको क्या रहेगा, फाइव इंटू एक्स प्लस वन, यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस थ्री इंटू वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। देखो कितना सिंपल है, ऑब्जर्वेशन आपके प्रॉब्लम्स को बड़ा इजी करेगा, आपके ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होने चाहिए, एक्स प्लस वन वाई माइनस टू वाई माइनस टू, आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी है, आप एक्स प्लस वन की जगह कैपिटल एक्स लिख सकते हैं, वाई माइनस टू की जगह कैपिटल वाई लिख सकते हैं, सो कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई में आपको क्या मिलेगा, होमोजीनियस इक्वेशन मिलेगा, तो वहां से सॉल्व करो, लास्ट में कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड कैपिटल वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वाई माइनस टू, ऐसा रिप्लेस करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ऑब्जर्व अगर अच्छे से किया तो आपको आसानी से पता चलेगा सेम टर्म्स है, सो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लिया वो आ गया माइनस थर्टी, उसके फैक्टर्स पेन करेंगे, सम क्या आनी चाहिए प्लस वन, सो बाकी जो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हो वही सब करना है। तो अब यहाँ पे देखो ये जो ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, सो फाइव इंटू एक्स प्लस वन प्लस थ्री इंटू वाई माइनस टू को कॉमन लिया, यहाँ पे क्या बचेगा, टू इंटू एक्स प्लस वन माइनस वाई माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। सो ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकेंड लाइन है, सॉल्व करो इसे, फाइव एक्स प्लस फाइव प्लस थ्री वाई माइनस सिक्स, टू एक्स प्लस टू माइनस वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, देयरफोर फाइव एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, देयरफोर फाइव एक्स प्लस थ्री वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो एंड टू एक्स माइनस वाई प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो इज रिक्वायर्ड सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स। तो इस तरह से आपको सेपरेट इक्वेशन मिल गए, दो मार्क्स के लिए ये बोर्ड में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे भी आप देखोगे सिंपल है, x माइनस टू एक्स माइनस टू, तो आप सीधा कैपिटल x इज इक्वल टू x माइनस टू लिखोगे, y प्लस वन वाई प्लस वन, सो y कैपिटल y इज इक्वल टू y प्लस वन लिखोगे, तो आपको इस तरह से एक्सप्रेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन आ गया, इसे कैसे सॉल्व करना है आपको पता है, तो इसका सेपरेट इक्वेशन आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, या फिर सीधा डायरेक्टली यहाँ पे क्या करो, वन इंटू टू, टू इंटू वन दैट इज टू, टू के फैक्टर फाइंड करो, सम कितने आने चाहिए, माइनस थ्री, सो माइनस टू माइनस वन ये आपके आ गए फैक्टर, इसे पुट करो सॉल्व करो तो भी चलेगा। आप कैसे करते हो ये मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपको जो भी करना है वो मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से ये सिंपल से प्रॉब्लम्स जो थे वो यहाँ पे सॉल्व हो गए। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, आप लाइक करने के लिए शर्माते हो, एंड इस वीडियो को एंड इस चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।